छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 पे फोकस कर रही है। संगठन को मजबूत करने के साथ भूपेश सरकार को आक्रामक रूप से घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। धमतरी शहर से 14 किलोमीटर दूर गंगरेल बांध के किनारे सुरम्य वादियों में भाजपा के सांसदों, विधायकों, कोर ग्रुप के सदस्यों, प्रदेश अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्षों और संगठन के कुछ नेताओं को बुलाया गया। धमतरी के गंगरेल स्थित रिसोर्ट में गुरुवार को भाजपा के चुनिंदा सदस्यों के बीच हुई बैठक में चार मुद्दों पर मंथन किया गया। इनमें प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक समीकरण, संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव पर रणनीति में शामिल की गई। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित 28 पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। बैठक 8 घंटे चली। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो बैठक की शुरुआत प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा से हुई। करीब 2 घंटे तक बस्तर से लेकर सरगुजा तक के नेताओं ने राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी अपनी राय रखी। विधानसभा चुनाव में मुद्दों और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। तबियत खराब होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसमें शामिल नहीं हो पाए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सभी प्रदेश महामंत्री, सभी संभाग प्रभारी और कोर ग्रुप के सदस्य इसमें शामिल थे। सूत्रों के अनुसार बैठक में हर विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की गई। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी इलाकों पर संगठन का विशेष ध्यान है। गौरीशंकर अग्रवाल, विक्रम उसेंडी, अजय चंद्राकर जैसे नेताओं ने अलग अलग विषय पर अपनी राय रखी। वरिष्ठ नेताओं के मंथन के बाद तय किया गया कि बिलासपुर में 3 नवंबर को होने वाली महतारी हुंकार रैली अब 11 नवंबर को होगी। त्योहार को देखते हुए संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रैली का समय आगे बढ़ाने पर सहमति दी। इसके साथ ही मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के कामकाज पर भी चर्चा की गई। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रदेश के 13 जिलों के अध्यक्षों को बदलने पर भी सहमति दे दी है। बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही संगठन के कामकाज को गति देने के लिए बूथ स्तर और शक्ति केंद्र तक वरिष्ठ नेताओं को पहुंचने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।